हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं हूँ हरिद्वार में, अभी हूँ मैं हरकी पौड़ी में। सुबह 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। श्रद्धालुओं में कूद कूद के भरी हुए लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी भी देखिए बहुत सारी भीड़ यहाँ पे है। तो अभी आए हरिद्वार, बहुत अच्छा लगेगा आपको सीरियस, ठीक है। तो आप ये वीडियो इस तरह की आपको पसंद आ रही हैं जो मैं बना रहा हूँ कंटेंट, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हरकी पौड़ी का मेन मंदिर है और उसके पास पास श्रद्धालु खूब सारे हैं, डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। और हरिद्वार में अगर देखेंगे बहुत ढेर सारे फूल हैं, ढेर सारे फूल। यहाँ की पौड़ी के आसपास बनाए गए ये, अगर टॉप में आप देखेंगे मनसा देवी मंदिर है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जाने की और आपको सारी डिटेल दिखाने की, ठीक है। ढेर सारे पुल हैं यहाँ पे हरिद्वार में। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो मेरा ये है पावन धाम शीश महल, कांच का मंदिर के नाम से ये फेमस है पूरा, ठीक है। तो मैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें, ठीक है। ये हरकी पौड़ी से लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। शिवजी और पार्वती जी बनी हुई हैं यहाँ पे राम जी का पूरा परिवार है। यहाँ पे कान्हा जी हैं हमारे, कान्हा जी शेष नाग के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे सबरी की भी खा रहे हैं हमारे राम जी। एक कृष्ण जी अर्जुन को संदेश देते हुए, जब महाभारत हुआ था उस तरह उसका उस टाइम का ये दिखाया हुआ है। छोटे छोटे ग्लास के जो पीसेस हैं उनसे बना हुआ एक्चुअली महाभारत के युद्ध में जो रथ यूज हुआ था वो घोड़े और कृष्ण जी और अर्जुन वो सब दिखाया है। क्या बेहतरीन कलाकारी की, छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं उनसे ये बनाया हुआ है एक्चुअली। हनुमान जी का दूसरा रूप दिख रहा है यहाँ पर मुझे। पावन धाम के बगल में ही एक और मंदिर है और श्री वासुदेव आश्रम लिखा है इसमें, राम दरबार पुण्य के भागी बने इस तरह का मंत्र किया हुआ। ये मनसा देवी का मंदिर, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है। तो जब आते हैं तो पर्स मोबाइल इस तरह का ना ध्यान रखें, मोबाइल वगैरह थोड़ा क्राउड ज़्यादा है तो उसमें हर बार अनाउंसमेंट होते रहता है इस चीज़ का, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनसा देवी आने के लिए आप ट्रॉली भी ले सकते हैं जो कि ये है ऑलरेडी, और बाइक के लिए है ऑलरेडी रोड है, लेकिन चढ़ाई है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, ठीक है। ये मनसा देवी का मंदिर है, अंदर तो क्राउड है लेकिन पिक्चर वगैरह ले नहीं पा रहे हैं, अंदर बहुत ज़्यादा रश है। तो फिलहाल यही से मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। मनसा देवी से जब हम नीचे आ रहे थे हरिद्वार की ओर, तो जो रोड है जहाँ से बाइक जाती है उसके थ्रू आने पर बहुत बेहतरीन सी लोकेशन दिखती है मुझे, आपके साथ शेयर करना चाहिए, दिखाना चाहिए आपको, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। ये है भारत माता मंदिर जिसके टोटल 7 फ्लोर हैं। और अभी हम हैं भारत माता मंदिर में, ये है 7 फ्लोर का टोटल मंदिर। ऊपर आने के लिए लिफ्ट है जिसका चार्ज 2 रुपये लेते हैं पर पर्सन, और नीचे जाते वक्त आपको पैदल जाना होगा ताकि आप सारे फ्लोर देख सकूँ। तो सारे फ्लोर में इस तरह के जो गॉड हैं भगवान हैं उनका
दिखाया हुआ, सारी चित्रण दिखाया हुआ। मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे अवेलेबल। ठीक, ये मंदिर का छठा फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी लग रहे हैं मुझे, या फिर इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे छठे फ्लोर में हैं। ये है पांचवा फ्लोर और इसको नाम दिया है शक्ति मंदिर। मंदिर का फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में ही संत मंदिर के साथ में साई मंदिर भी है। यह थर्ड फ्लोर, इसको नाम दिया है संत मंदिर। सेकंड फ्लोर को नाम दिया मातृ मंदिर और यहाँ पे सारी जो माताएं हैं इस तरह की उनकी सारी पिक्चर्स वगैरह हैं। यह फर्स्ट फ्लोर और इसको नाम दिया सूर मंदिर, जो भी हमारे वीर थे उनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। एक्चुअली ये इसका ग्राउंड फ्लोर, सारे पॉलिटिशियन को या फिर जो भी पीएम रहे, प्रधानमंत्री जी रहे हैं, राष्ट्रपति जी रहे हैं, उनके साथ में उनके पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे। सूरज सेवा सदन है यहाँ पे, आप जहाँ क्या बोलते हैं चंदा वगैरह इस तरह का दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिक सी शिव जी की मूर्ति मुझे दिखी, बहुत भयंकर। फिर के पास में ही वैष्णो देवी मंदिर भी है यहाँ पे पास में। ठीक है, वैष्णो देवी के मंदिर जिस तरह से होते हैं ना ऊपर पहाड़ों में टाइप का, चौथे पाँचवें फ्लोर में, यहाँ भी उसी तरह का ऑलमोस्ट बनाया हुआ है। जो बना रखे हैं नेचुरल बनाने की कोशिश की, हावर या आर्टिफिशियल है सारी चीज़ें, लेकिन पूरी कोशिश की इस तरह का बनाने की। नॉर्मली हर जगह इस तरह के मंदिर रहते हैं, पहाड़ों के बीच में वैष्णो देवी का मंदिर रहता है। अर्थ माता मंदिर के पास में श्री मंगल कलश है, ये इसका आउटर एरिया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको जो भी चीज़ें अंदर इसके अवेलेबल है। ठीक है, संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित ये मंदिर है जहाँ पे अमृत था एक्चुअल में, है ना, तो इसलिए ये मंदिर फेमस है यहीं पे। ये मेन मंदिर है हर की पौड़ी में। गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को आगे आने वाली इस तरह की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय, टेक केयर।